हेलो गाइस, बाय स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। मैं माया कराड़िया फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। आज आप सीखेंगे एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना। ये आप पुष्प देख रहे हो, इसके एलएस है। ये फ्लावर के एलएस में आपको सबसे बाहरी जो चक्र दिखाई दे रहा है, ये कैलिक्स वाला भाग जो मोस्टली ग्रीन कलर का आप फ्लावर्स में देखते हो। इसके नीचे ये फूला हुआ भाग इसका थैलेमस होता है। इसकी बाहरी वाला जो चक्र होता है इसको सहायक चक्र भी कहते हैं, और इस सहायक चक्र की इकाई को हम कहते हैं सेपल्स या बाह्य दल। सबसे बाहरी चक्र के अंदर की तरफ जो है दलपुंज वाला, जो आप विभिन्न पंखुड़ियों के रूप में, फ्लावर की पंखुड़ियों के रूप में देखते हो, इसके इकाई भाग को हम पेटल्स या दल कहते हैं। ये जो है अलग अलग कलर्स में आप फ्लावर्स में जो है देखते हो। पेटल्स वाला भाग जिसको हम सामूहिक रूप से करोला कहते हैं, इसके भीतर की तरफ इसके जो है जननशील भाग होते हैं जिनको हम एंड्रोशियम यानी कि पुमंग कहते हैं। पुमंग में ये धागिनुमा स्ट्रक्चर्स आप जो फ्लावर में देख रहे हो, ये धागिनुमा संरचनाएं स्टेमंस हैं, पुंके से जिनको हम कहते हैं। इसके फूला हुआ जो भाग है, ये फूले हुए स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हो, ये इसके एंथर्स है यानी पराकोश। पराकोश मोस्टली दो पालियों में आप यहाँ पर देख रहे हो। ये पालियां आपस में कनेक्टिव के द्वारा जुड़ी हुई है, और इन एंथर्स का ये जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर फिलामेंटस कंडीशन जो दिख रही है, इसको हम कहते हैं फिलामेंट या पुतंतु। ये धागिनुमा स्ट्रक्चर सारी जो आप देख रहे हो, ये सब एंथर्स लिए हुए हैं, जो इनकी फुली हुई स्ट्रक्चर है, ये एंथर्स है। ये जननशील स्ट्रक्चर मेल गैमेटोफाइट या मेल जननांग को प्रदर्शित करती है। इसके भीतर की तरफ जो जायांग वाला भाग है, इसको हम गायनोशियम कहते हैं, और ये गायनोशियम इसके बीचों बीच आपको फ्लावर में एलएस में दिख रहा है। इसका ये फूला हुआ भाग है, ये ओवरी है। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके ऊपर की तरफ जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, इसको स्टाइल कहते हैं। स्टाइल के ऊपर फूला हुआ भाग स्टिग्मा, जहां पर पोलन ग्रेन्स आकर के गिरते हैं। इस तरह से ये दोनों चक्र जो है जनन वाले चक्र कहलाते हैं, मेल और फीमेल ऑर्गन्स को प्रदर्शित करते हैं, और ये वाले चक्र दोनों सहायक चक्र कहलाते हैं। नीचे आप इसके जो है व्रंथ देख रहे हो, और ये थैलेमस वाला भाग इसका स्पष्ट नजर आ रहा है। आप किसी भी फ्लावर को आसपास जो फ्लावर्स आपके होते हैं उनको तोड़ करके देखिए, खोल के देखिए, आपको ये चारों पार्ट उनमें दिखाई देंगे। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक करते रहिए और देखते रहिए। थैंक्स।